हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फुंडी एक्स्ट्रा। और आज का जो ये वीडियो है ये आपके थोड़ा Q&A टाइप है, मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर। तो जो भी क्वेश्चंस ज़्यादातर मुझे मिल रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स में, तो फिर जो भी कॉमन क्वेश्चंस थे वो या रिपीट हो रहे थे, तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ। तो मे बी अगर किसी और के मन में भी सेम क्वेश्चन है तो उसको भी हेल्प मिल जाएगी वाले वीडियो को देखकर। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो मैंने क्या स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सक्षम कौशिक जी का। तो ये बोलते हैं कि इन एक्स्ट्रा ड्राइवर साइड विंडो अप डाउन बटन लाइट इज़ नॉट वर्किंग एट नाइट, इज़ दिस प्रॉब्लम विथ यू ऑल्सो। मतलब जो ड्राइवर साइड का जो विंडो का अप डाउन बटन है उस पर लाइट नहीं चल रही है रात में, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी है क्या? तो क्या आप कह रहे हो कि यहाँ के बटन्स में लाइट नहीं आ रही है रात में? तो देखो, ऐसा है कि वो लाइट नहीं आने वाली, आप किसी भी टाइम चेक करो, चाहे आपकी हेडलाइट ऑन हो ऑफ हो, इसमें लाइट नहीं आने वाली, क्योंकि कंपनी ने लाइट दी ही नहीं है। तो इसमें लाइट नहीं चलने वाली, मिस ड्राइवर बटन ले लो या कोई भी बटन, कंपनी ने दिया ही नहीं तो कैसे आएगी? उसका कुछ आफ्टर मार्केट में चेक कर सकते हो, आफ्टर मार्केट में तो भाई सब कुछ लग जाता है। और इससे प्रॉब्लम मेरे को तो नहीं होती, क्योंकि इसके पहले मैं i10 यूज़ कर रहा था और उस पर भी सेम ही कंट्रोल से थे, तभी मैं बहुत यूज्ड टू हो चुका और मैं डेली ऑफिस ड्राइव करता ही हूँ कार, तभी मेरे को वो मसल मेमोरी में आ गया ये सारा कुछ। तो मेरे को प्रॉब्लम एज सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को अभी। राहुल जी का सवाल है, हैव यू एक्सपीरियंस द एक्सपेक्टेड किलोमीटर रेंज डिग्रेड ड्रास्टिकली ऑन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर व्हेन स्टार्टिंग द कार नेक्स्ट डे? मतलब कि अगर मैंने आज शाम को कार पार्क कर दी और कल सुबह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या जो रेंज यहाँ सामने जो आती है वो कम हो रही है क्या अगले दिन? ओके, ये देखो अभी रेंज बता रहा है 501 किलोमीटर्स, ठीक है। अभी देखो आज क्या डेट है, तो 21 को अपन 6:15 बजे देख रहे हैं, इतना है ठीक है, 501 किलोमीटर रेंज बता रहा है। अब अपन कल सुबह चेक करेंगे कि रेंज कम हुई है या नहीं हुई है या इतनी ही बताता है, ठीक है ना? Two days later. चलो आज है, मैंने परसों को तो देखो मैंने परसों शाम को चेक किया था तो 501 किलोमीटर था रीडिंग, और आज देखो क्या है, आज है 23 और सुबह का 9 बजा है। चलो अब देखते हैं रेंज कम हुई है, ज़्यादा हुई है या उतनी ही है। फाइव हंड्रेड वन ही है, ये देखो उतनी की उतनी ही आई है। चलो तो आई होप आंसर मिल गया होगा कि उतनी ही रहती है, मतलब एटलीस्ट मेरे केस में तो सेम है। और जब रेंज की बात कर ही रहे हैं तो फिर ये देखो 504 किलोमीटर्स हो चुका है, जबकि 41 मिनट कार में चला चुका हूँ अभी सुबह से, सिर्फ 6 किलोमीटर के लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि भाई मैं भी हुंडई एक्स्ट्रा ओन करता हूँ, जस्ट वांटेड टू कंफर्म विद यू दैट डज ऑल योर विंडो फंक्शन वर्क फ्रॉम ड्राइवर साइड, लाइक कैन यू टर्न डाउन ऑल विंडो पोस्ट? ओके, मींस कार हमने ऑफ कर दी है, चाबी निकाली है, बट अभी कोई डोर ओपन नहीं हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या पावर विंडो के बटन्स काम करते हैं या नहीं? ये जैक्सन एंटो ने पूछा है, चलो ये भी देख लेते हैं। हाँ तो देखो, अभी मैं जस्ट ऑफिस से ड्राइव करके घर वापस आया हूँ और देखो माइलेज भी बता रहा है। तो अभी भाई का क्या क्वेश्चन था कि अगर मैंने चाबी निकाल दी, ठीक है, चाबी निकाल दी है और चाबी ये है मेरे हाथ में, और अभी मैंने डोर वोर ओपन नहीं किया है, तो देखते हैं ये पावर विंडो काम करता है या नहीं, ठीक है। थोड़ा अंधेरा है, अब देखो काम करता है, बट अगर दरवाज़ा खोल दूंगा तो अब नहीं करेगा।
इसके बाद फिर एडम मुंसी डेविड का क्वेश्चन है कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू अपग्रेड इन्फोटेनमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ईयर सीट हाइट एडजस्टमेंट। ओके, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करें इसका और रियर सीट हाइट कैसे एडजस्ट करें। तो इन्फोटेनमेंट सिस्टम अपडेट करने के लिए ना, देखो यहाँ पर तो आपको ये दिखाता है, देखो ये है आपका फर्मवेयर वर्जन वगैरह ये सारा कुछ इसको। हाँ, तो यहाँ से अपडेट करने का बटन तो आता है, बट ये तब काम करेगा जब आप सर्विस सेंटर ले जाओगे ना, उनके पास में इसका वो रहता है सॉफ्टवेयर कहाँ से तो डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू ही अपडेट होता। अगर आपका SX के ऊपर वाला वेरिएंट होता, मीन्स SX कनेक्ट वगैरह जिसमें नहीं इनबिल्ट मैप्स आता है, तो उस पर क्या होता है कि आप OT अपडेट वो सपोर्ट करता है, मीन्स ऑन द एयर, तो उसको आप यहीं कहीं अपडेट कर सकते हो। लेकिन अपना अगर SX वेरिएंट है जिसमें नहीं इनबिल्ट मैप वगैरह नहीं आता है, तो उसमें ये अपडेट यहाँ से नहीं होगा, उसके लिए आपको सर्विस सेंटर कार ले जानी पड़ेगी। और मैं अज्यूम करता हूँ कि आप रियर सीट हेडरेस्ट की हाइट एडजस्टमेंट की बात कर रहे होंगे, क्योंकि सीट की हाइट तो एडजस्ट होती नहीं है। तो अगर आपको सीट का हेडरेस्ट एडजस्ट करना है ना, तो आपको ये बटन प्रेस करना है। तो इसके लिए आपको दो हाथ लगेंगे, एक हाथ से आप बटन प्रेस करोगे और उसको प्रेस करे करे उठाओगे ना, तो ये हेडरेस्ट पूरा का पूरा बाहर भी निकाल सकते हो आप इस तरह से। और उसके बाद देखो ये बटन प्रेस करते हैं ना, तो इसमें ये लॉक टाइप है जो कि उसको उस पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, और फिर वापस से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो बिना कोई बटन प्रेस किए। बस आपको जहाँ पर उसको रोकना है ना, तो आपको बटन वहाँ पर छोड़ देनी है, बटन प्रेस करके उतना उठाना और फिर बटन छोड़ देने, तो वो उसी पोजीशन पर टिका रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये मैंने वीडियो बनाया था ना जो एंटी थेफ्ट बर्गलर अलार्म पे, तो उस पे है कि मान लो मैं कार के बाहर हूँ। हाँ, उसमें मैंने ये बताया था ना कि अगर आप कार के बाहर हो और मैनुअल की से ओपन करते हो डोर, और फिर डोर ओपन करते हो, तो जो है वो अलार्म वो पों 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 बजता रहता है, जबकि आप खुद ही ओनर हो और आपकी ओरिजिनल की है। तो अगर मेरी स्मार्ट की बैटरी डाउन हो गया और मैं ही ओपन कर रहा हूँ, तो फिर क्यों बजेगा, और अगर बजेगा तो उसको बंद कैसे करें। ओके, तो एक गुप्ता जी का क्वेश्चन था। इन केस अगर आपकी स्मार्ट की या रिमोट की बैटरी डाउन हो गई और आप अगर ऐसे मैनुअल की से डोर ओपन करोगे, तो ऑब्वियस है हॉर्न बजना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको बंद करने के लिए आपको तुरंत कार स्टार्ट करनी है, मीन्स इग्निशन ऑन करना है, और आपको गियर में डाल देना है, न्यूट्रल से हटा देना है, और ये हॉर्न बजना बंद हो जाएगा। तो देखो भाई, ऐसा ज़्यादा देर नहीं बजा सकता था फॉर ऑब्वियस रीजंस। समझ गए होगे। तो फिर अगर आपने चाबी डाली है और आपको बस कार स्टार्ट करके गियर लगाना है, और ये हॉर्न बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपकी कार में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है जो कि यहाँ पर रहता है, तो आपको क्या करना है कि आपको इसी की से उस बटन को ऐसे प्रेस करना है। तो शायद एक बार प्रेस करोगे तो एसेसरीज ऑन होती है, और सेकेंड टाइम प्रेस करोगे तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपके में पुश स्टॉप बटन है और स्मार्ट की है, तो उस केस में ये करना है, और अगर मैनुअल की है तो डायरेक्ट यहाँ से ऑन कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन कश्यप जी का, हाउ टू ओपन एंड क्लोज सनरूफ इन गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा इन हुंडई एक्स्टर। ओके भाई, बट आपने बताया नहीं कि आपका जो हुंडई एक्स्टर का वेरिएंट है वो कौन सा है। अगर वो बता देते तो आंसर करने में इजी पड़ता, क्योंकि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अब देखो, आपने बताया नहीं कि आपका कौन सा वेरिएंट है अभी। जैसे मेरा SX वेरिएंट है, तो इसमें तो आप यूजिंग योर वॉइस सनरूफ ओपन क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपका SX कनेक्ट है, तो उसमें आप जो है वॉइस कमांड देके सनरूफ ओपन वगैरह कर सकते हो, बट इसमें नहीं होगा। जो वो वाला मॉडल रहता है ना, उसका आपका ये टच स्क्रीन अलग ही आएगा। देखो, उसमें ऐसा नहीं आएगा, उधर पे मैप वगैरह आता, और ये बटन प्रेस करते हो ना, तो उसमें यहाँ पर ऐसा नहीं आता, डायरेक्ट वो कमांड लेना शुरू कर देता। उसका मैं फ़ोटो लगा दूंगा, बट अगर आपका SX है उसके नीचे, तो ये काम नहीं करेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है सचिन कूल का, कि वाइल ड्राइविंग ORVM बटन डज नॉट वर्क मल्टीपल टाइम्स। ओके, ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे ORVM आप फोल्ड अनफोल्ड बटन को ही रेफर कर रहे होगे, तो जब ड्राइव कर रहे हो तो ये मिरर्स फोल्ड एंड अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं।
तो देखो चलती कार में अगर आपका ये मिरर फोल्ड अनफोल्ड नहीं हो रहा है, देखो प्रेस कर रहा हूँ ना, नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो स्पीड है अभी वो 20 है। अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ बेलो 20, देखो ये देखो अभी 14 पर है, अभी फोल्ड हो गए। मीन्स ये आपका एक सेफ्टी फीचर टाइप है, अगर कार की स्पीड 15 के अबव है, देखो अभी 15 के अबव है, ठीक है, देखो अभी काम नहीं कर रहा है, बट अगर मैं स्पीड कम करता हूँ, देखो 16, ये देखो अभी फोल्ड हो गए। तो एक सेफ्टी फीचर है, मीन्स अगर कार स्पीड में जा रही है तो फिर आप क्यों मिरर फोल्ड करना चाहोगे? सपोज आपको ओवरटेक करना है, ठीक है, और या कोई गाड़ी पीछे से आ रही नहीं आ रही, आपको टर्न लेना है, तो उस केस में मिरर तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो अब अगर स्पीड अबव 15 किलोमीटर पर आवर है तो फोल्ड नहीं होगा, उसके नीचे है तो हो जाएगा।